नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। चमोली ब्रेकिंग, स्वीट शॉप और होटल में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। बड़ी खबर चमोली से है। बता दें कि चमोली बाजार में एक मिठाई की दुकान और एक होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दो दुकानें जलकर राख हो गई, दुकानदारों का लाखों का नुकसान होने की आशंका है। बता दें कि ये आगजनी चमोली के मुख्य बाजार में हुई। फिलहाल आग लगने की वजह सिलेंडर फटना बताया जा रहा है, लेकिन अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार चमोली मुखिया बाजार के होटल में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के दुकानदारों और बाजारों में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ भी सामान दुकानदार नहीं बचा सके। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और फायर सर्विस के कर्मचारी पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले सब कुछ जलकर राख हो गया। भीषण आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर आग कैसे लगी और कितना नुकसान दुकानदारों को हुआ है। मॉनसून सत्र, साइकिल से विधानसभा पहुंचा विपक्ष, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज कांग्रेस के विधायक अलग ही तेवर में दिखाई दिए। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के सारे विधायक साइकिल से विधानसभा आए। ये लोग बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने की जनता के लिए ये छह बड़ी घोषणाएं। विधानसभा मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने जनता को कई बिलों में छूट दी है। बिजली बिलों के फिक्स और अधिभार में अगले 3 माह की छूट दी गई है। साथ ही परिवहन विभाग में सेवायान कर और पंजीकरण प्रमाण पत्र के विलम्ब शुल्क में 6 माह की छूट देने की घोषणा। बात पेयजल की करें तो विभाग में 31 दिसंबर तक एक साथ बिल जमा करने पर विलम्ब शुल्क न देने की राहत दी गई है। उनकी इन घोषणाओं से साफ है कि सरकार पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री ने निम्न घोषणाओं से जनता को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। प्रेमिका ने युवक को सड़क पर चप्पलों से पीटा। युवक अपनी पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी करने जा रहा था। इस दौरान उसकी प्रेमिका भी बाजार में खरीदारी करने आ गई। प्रेमिका जब प्रेमिका से सामना हुआ तो युवक को जान बचाना भारी पड़ गया। एक तरफ जहां प्रेमिका ने युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी, वहीं दूसरी तरफ पत्नी भी उसे बीच बाजार में धक्का देकर चली गई। पुलिस का कहना है कि युवती अगर शिकायत करती है तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें, सिरपुर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाले शादीशुदा युवक का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक ने खुद को अविवाहित बताया हुआ था। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर फिर आया मलबा, यातायात बंद। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। बीते 3 दिनों से ऋषिकेश बद्रीनाथ NH-58 बंद है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ियों से मलबा और बोल्डर गिरने से कई मार्ग बाधित हो गए हैं। इससे लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज NH पर पहाड़ी से फिर मलबा गिरा है। लोक निर्माण विभाग की ओर से मार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। देवप्रयाग थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत ने बताया कि शिवमूर्ति के पास पहाड़ी दरकने से मार्ग बंद है, जिसे खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने लोगों को इस मार्ग के छोड़ श्रीनगर, मलिथा, टेहरी, नरेंद्र नगर, ऋषिकेश मार्ग का प्रयोग करने को कहा है। सुपरवाइजर ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। हरिद्वार में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें कि सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाली युवती ने सुपरवाइजर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि सुपरवाइजर ने जन्मदिन के बहाने युवती को अपने घर बुलाया और दुष्कर्म किया। साथ ही शादी का वादा कर कई बार लगातार दुष्कर्म करता रहा। युवती ने हिमांशु से शादी के लिए कहा तो वह भड़क गया। आरोप है कि उसने गाली गलौज और मारपीट की और शादी से इनकार कर दिया। तब युवती ने पुलिस को तहरीर दी। सिडकुल थाना अध्यक्ष लखपत बुटोला ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मानदेय की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विधानसभा कूच, पुलिस ने रोका। उत्तराखंड विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र जारी है। सत्र के दौरान विभिन्न संगठन अपनी मांगों को लेकर लामबंद है। इसी कड़ी में आज सीटों से संबद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर विधानसभा कूच किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विधानसभा से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड के सबसे क्रूर हत्यारे को मृत्युदंड, मां भाई और गर्भवती भाभी की काटी थी गर्दन।
उत्तराखंड के सबसे बड़े हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली है। संजय नाम के हत्यारे ने 2014 में भाई के डांटे पर एक के बाद ताबड़तोड़ 3 हत्याएं कर दी थी। पहले उसने जंगल में बकरी चराते गर्भवती भाभी की गर्दन धड़ से उड़ा दी, इसके बाद भाई की गर्दन काट दी। रास्ते में मां मिली तो उसकी गर्दन भी एक वार में काट दी थी। अदालत ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना है। मानसून सत्र का चौथा दिन, भगवानपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर विपक्ष का हंगामा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में प्रश्नकाल की शुरुआत हरिद्वार के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक ममता राकेश के सवाल से हुई। ममता राकेश ने भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का सवाल उठाया। इस दौरान उन्होंने सदन में सत्ता पक्ष के सामने कई तथ्य भी रखे। क्या खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की फिर होगी भर्ती? मानसून विधानसभा सत्र के चौथे दिन कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर सदन में मांग उठाई। वहीं कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने उच्च शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा कि कोरोना के समय 34 अतिथि शिक्षकों को महाविद्यालय से हटाया गया, जबकि अभी कई महाविद्यालयों में 40 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सरकार इन शिक्षकों के लिए क्या कदम उठा रही है? इन पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नौकरी से हटाए गए 34 अतिथि शिक्षकों के विषय के पद रिक्त होने पर फिर से रखे जाएंगे। साथ ही पहले अतिथि शिक्षक को 15,000 मिलते थे, अब 35,000 मानदेय दिया जा रहा है। खटीमा में वन दरोगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा वन विभाग के आवासीय परिसर में देर रात वन दरोगा राम प्रसाद का शव उनके कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मृतक वन दरोगा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 3 दिनों तक कुमाऊं की लाइफलाइन बंद, टनकपुर चंपावत हाईवे पर लगातार गिर रहे पत्थर। 3 दिन पहले लैंडस्लाइड के कारण बंद हुआ टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे चौथे दिन गुरुवार को भी नहीं खुल पाया। हालांकि प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम लगातार हाईवे से मलबा हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थरों की वजह से टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टाइगर रिजर्व से हरिद्वार पहुंचा गजराज, जमकर खाया, 2 घंटे घूमा और लौट गया जंगल। धर्मनगरी हरिद्वार का अधिकतर क्षेत्र वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से सटा हुआ है। इस कारण आए दिन जंगलों से निकलकर वन्य जीव आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच जाती है। इसी के तहत बुधवार रात भी राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक जंगली हाथी घुसाया। हाथी इतना विशालकाय था कि जिस किसी ने उसको देखा उसके होश उड़ गए। करीब 2 घंटे तक यह हाथी रिहायशी इलाके में चहलकदमी करता रहा। आंवला खरीदने के नाम पर 5.5 लाख की धोखाधड़ी, पतंजलि के कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज। एक फर्म से सूखा आंवला खरीदने के नाम पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित फर्म मालिक की तहरीर पर ट्रांजिट कैंप पुलिस ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के परचेज हेड और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नैनीताल पुलिस के पावर लिफ्टर मुकेश पाल बने ऑल इंडिया पुलिस टीम के मुख्य कोच। नैनीताल पुलिस के ASI और पावर लिफ्टर मुकेश पाल ने खेल जगत में पूरे विश्व में अपना परचम लहरा चुके हैं। ऐसे में मुकेश पाल को ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड ने ऑल इंडिया पुलिस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। प्रचार कर रहे आप कार्यकर्ताओं को BJP पार्षद ने धमकाया, पार्टी ने जारी किया वीडियो। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां अभी से प्रदेश में दिखने लगी हैं। चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों के दिग्गज एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में खटपट की खबरें आने लगी हैं। ऐसे ही एक वीडियो में आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। इस वीडियो के जरिए आप नेताओं ने BJP पार्षद पर आरोप लगाया है कि उसने प्रचार प्रसार कर रहे आप कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकी दी है। SSP का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका, हुई नोकझोंक। अपने विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के किसान गुरुवार को SSP हरिद्वार का घेराव करने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में कोर कॉलेज के पास बैरिकेडिंग कर भारतीय किसान यूनियन के किसानों को रोक दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। 3 माह का बिजली फिक्स चार्ज माफ, पर्यावरण मित्र को मिलेगी आर्थिक सहायता, CM धामी। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। सत्र के चौथे दिन CM धामी उत्तराखंड को लेकर बड़ी घोषणाएं की। हर वार्ड में लगना था वैक्सीनेशन कैंप, हवाई साबित हुई योजना। नगर निगम ने पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग और पार्षदों से बैठक कर निर्णय लिया गया था कि नगर निगम के सभी 100 वार्डों में वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा, लेकिन वर्तमान में अधिकतर वार्डों में कैंप नहीं लग रहे हैं। ऐसे में लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं ऐसे कई पार्षद भी हैं जो अपने स्तर पर कैंप लगा रहे हैं। मेयर का कहना है कि अगर किसी वार्ड से सूचना मिल रही है कि वार्ड में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, तो नगर निगम प्रशासन स्वास्थ्य विभाग से बात करके कैंप लगाने की प्रक्रिया की जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग और पार्षदों के साथ बैठक कर सभी वार्डों में वैक्सीनेशन कैंप लगाने के लिए निर्णय लिया गया था, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही वैक्सीनेशन लगवाने की सुविधा मिल सके, लेकिन कई वार्डों में कैंप नहीं। किशन नगर से पार्षद नंदिनी शर्मा ने बताया कि विभाग को पार्षदों के साथ संबंध में स्थापित कर कैंप लगाने, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से कैंप नहीं लग पा रहे। साथ ही दून विहार से पार्षद संजय नौटियाल का भी कहना है कि फिलहाल वार्ड में कैंप नहीं लग। वहीं कुछ पार्षदों ने बैठक के बाद बैनर लगवा दिए थे कि उनके यहाँ कैंप लगेगा, लेकिन बाद में स्टाफ और संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कैंप की तारीखों में बदलाव करना पड़ा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।